मेरी गाड़ी का टायर मैच पंचर हो गया है ना, तो लगवाते हैं। शायद इसकी बॉल भी ख़राब है, आई डोंट नो, लेट्स सी। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, करवा लेते हैं यार। इसमें यार ये बॉल डलेगी, अरे चलिए डर गया ना एकदम से। इसमें बॉल डलेगी, करवा लेते हैं। इसमें लीक है जो, इसमें कील भी घुसी हुई है, पता नहीं यार कील कैसे घुस गई इसमें। कोई नहीं भैया, हेल्प कर रहे मेरी। तो मेरा टायर वैसे ट्यूबलेस है, इसलिए पंचर के बाद भी ये चल गया इतना, ये फायदा हो गया इसमें। इसमें चेक कर रहे हैं, पंचर है नहीं है। इसमें से कील निकल गई, ये वाली किट सोच रहा हूँ मैं भी लेकर आऊँगा, अपनी गाड़ी में रखूँगा, काम आएगी। तो ये सिंपल बस लिया और ऐसा करके लगा दिया और ये पंचर हो गया काम सबसे बढ़िया। तो उसकी किट आ जाए, किट मैं भी लेकर रखूँगा अपने पास, बहुत बढ़िया। भैया देख रहे इसमें और कोई पंचर तो नहीं है, फाइनली ऑल डन लग चुका है, वापस लग रहे हैं इसमें, करवा लेते हैं। घर में मैंने अपने टायर चेक करते रहा करो आप लोग है ना, पंचर वंचर हो जाते हैं। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉग विद शुभम। सो यार एमटी आया हूँ अभी मैं, मजनू डिल्ला पहुँच चुका हूँ, आज एक्सप्लोर करने आया हूँ। आज यहाँ पे कोरियन खाना खाऊँगा, लाइक मैं बुसान आया था बहुत पहले स्टार्टिंग में, आज बुसान जाएंगे एंड आई वॉन्ट टू ट्राई सम कोरियन फूड, कोरियन फूड ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, रुका नहीं जा रहा आपके भाई से, तो जल्दी से चलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मेरी मम्मा की हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो गई थी, तबीयत खराब थी उनकी। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न फ्रॉम यू गाइज एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम पे एडेड हैं। मतलब यार आई एम सो ओवरवेल्म्ड, इतने सारे मैसेजेस आए। मैंने वहाँ पे भी आप सबको थैंक करा था, यहाँ पे भी आप सभी को थैंक यू कर रहा हूँ जिन्होंने भी मैसेज करा, जिन्होंने भी प्रे करा, जिन्होंने भी उनकी अच्छी तबीयत के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए प्रे करा। थैंक यू सो मच, शी इज़ फार बेटर नाउ, तबीयत ठीक हो गई है, बस थोड़े बहुत चीज़ें, थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नीज में पेन हो रहा है, बाकी शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। एंड जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम पर एडेड नहीं है, नीचे यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, आप लोग प्लीज़ जाके ऐड कर सकते हो। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे दिखाई जाती हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। आई एम बुसान, आज फिर से मैं बुसान आया हूँ। एक्चुअली मैं बुसान आया हूँ आई गेस ऑलमोस्ट 4 to 5 months बाद आया हूँ यार पूरा, एंड यहाँ का खाने में बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ पूरा, अगर कैफे दिखाऊँ पूरा यहाँ पे, तो ऑर्डर करेंगे अभी हम, खाना ही खाना है, बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को, तो जल्दी से देखते हैं क्या खाना है, ऑर्डर करते हैं। तो यार आज मेरा फोर्थ डे वर्कआउट होने वाला है एंड आज भी मैं मिक्स करूँगा स्टार्ट द वर्कआउट करते हैं अभी। आज चेस्ट प्रेस करनी है, सबसे पहले मेरे को ढूंढते हैं कहाँ पे ये रही चेस्ट प्रेस, तो मेरे को ये करनी पहले। ऑल सेट, ऑल डन, अभी चल रहा मेरा वर्कआउट, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए बंद कर देता जल्दी, ठीक है पूरा। तो मैंने भी ये बनाना ऑर्डर करे हैं, मैं इसका शेक बनाने वाला हूँ, आज से मैं बनाना शेक भी पी रहा हूँ। आई विल ऐड बनाना, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी, पीनट बटर एंड उसको बना के पूरा एक शेक पी जाऊँगा। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ गेनिंग शेक, थोड़ा सा मेरी डाइट इम्प्रूव होगी इससे एंड हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। एज यू नो मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है,
तो मैं एक बार बनाता हूँ एंड इसको एक बार डाल देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बनाना दूध, तो इसमें आलमंड्स डाल दूँगा, ठीक है, इसमें किशमिश डाल दूँगा, ठीक है, एंड इसमें ओट्स और पीनट बटर भी डाल दूँगा, ओट्स ये एंड पीनट बटर एंड थोड़ी सी आइस और हनी डाल के आप इसे ब्लेंड करके पी सकते हैं। तो मैं जल्दी से एक बार डालता हूँ, बनाता हूँ। एंड वी हैव कैश्यू, इसमें काजू भी डालेंगे। खा भी जाऊंगा थोड़े से। लेट्स ऐड इन सम हनी। मैं यार शुगर प्रेफर नहीं करता, आई डोंट लाइक शुगर। मैं नॉर्मली भी कोई अगर घर पे शेक या कुछ बनाता हूँ ना, मैं शुगर नहीं डालता, हनी प्रेफर करता हूँ। आप लोग भी हनी खाया करो, बेटर ऑल्टरनेट है। थोड़ा सा हनी इज ऑल आई नीड। मैंने इसमें आइस भी डाल दिए एंड वी आर गुड टू गो। एंड मेरे जीजू आए थे, वो मेरे मम्मा के लिए नारियल पानी और जूसेस सब लेके आए हैं। मैं फिर से बताऊँगा, गर्मियों में नारियल पानी पीते रहो, सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बनाते हैं सब। तो शेक बन चुका है, अब मैं दो ग्लास नहीं, एक मैं अपनी मम्मा के लिए भी कर रहा हूँ, मेरी मम्मा भी पी लेंगी, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। उनकी वजह से तबीयत ख़राब है तो ये उनको एनर्जी देगा, उनको ना वीकनेस फील हो रही है आजकल, तो वेन शी विल हैव दिस तो उनकी वीकनेस भी ठीक होगी एंड थोड़ी सी ताकत भी आएगी, तो दोनों ही पियेंगे। अच्छी बात, थोड़ा सा बचा ही मैं पी लूँगा। लेट्स गो। अभी मेरी मम्मा पूजा कर रही हैं तो उनका मैं फ्रिज में रख देता हूँ एंड जब आएंगी तब पी लेंगी। भोग लगाने के लिए देता हूँ, लो मैं भोग लगा दो उसका। ये मेरी मम्मा एंड दिस इज क्लच। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे घर में चीज़ों को पहले भोग लगता है भगवान जी का एंड उसके बाद पी जाती है। एंड मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, भोग ला के दे दिया एंड अभी सब पीते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी हेल्दी, हाइजीनिक एंड इसमें ड्राई फ्रूट्स के ना क्रंचेस आ रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप में से कोई भी गेन करना चाह रहा है या मसल बिल्ड करना चाह रहा है तो ये चीज़ ट्राई कर सकता है डेली बेसिस पे। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो लेट मी एंजॉय। एंड यार जैसा मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया तो ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा सोर हो रखी है। तो पहले आई यूज टू यूज़ दिस गन, इसको मैंने चार्ज में लगाया अभी। दिस इज़ वेरी नाइस आपकी मसल सोरनेस के लिए, सब चीज़ के लिए इट्स वेरी नाइस। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ हाउ इट वर्क्स, ऑन कर दिया एंड इसके मोड्स हैं सी। जैसे जैसे आप इसके जहाँ जहाँ पेन है वहाँ वहाँ से आप कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इससे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग। मेरे तो दर्द है यहाँ पे, तो आई स्टार्ट यूजिंग दिस एज वेल, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको भी एक साल हो गया ऑलमोस्ट, अब यूज़ होगी। लेट्स गो। डे फाइव, आज डे फाइव है जिम का एंड अभी वर्कआउट करने जा रहा हूँ मैं। दिस इज माई टुडेज आउटफिट। चलते हैं, आज मेरा शोल्डर और लेग्स है तो शोल्डर लेग्स करेंगे आज। तो कल मैंने बैक बाइसेप्स करा था, आज मेरा शोल्डर लेग्स है एंड कल शायद चेस्ट और ट्राइसेप्स होगा। तो चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या वर्कआउट होगा आज। जो ट्रेनर मेरे को वर्कआउट कराते हैं, प्रियांशु आज है नहीं तो आज नरेंद्र अभी ट्रेनर वो कराएंगे। चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आज ये रैली भी थी यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट वाली, तो जिस जिसने भी ज्वाइन करा था प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना किस किसने ज्वाइन करा था इसको। आज यहाँ पे इसकी रैली भी थी। क्यों बात करें मैं
내장들이 질리기래. 여동을 장대이나 장대치에서 믿어와. सारंग कैफे, सारंग कैफे आया हूँ मैं मोमोज खाने के लिए। आप लोगों को पता है मुझे मोमोज कितने पसंद है, तो आई एम एम्प्टी एंड मेरा मोमोज खाने का मन था, तो आई एम एट सारंग कैफे। फाइनली द मोमोज आर हियर। कोथे नाम है इनका, कोथे मतलब ये हाफ फ्राई होते हैं आई गेस। खाते हैं यार, मोमोज मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो लेट्स हैव दिस। अगर आप लोगों को कैफे दिखाऊँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। एंड मैंने दो टी शर्ट्स लिए यहाँ पे, ये मैं आपको घर चल के दिखाऊंगा कौन सी ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, आप लोग भी आ सकते हो। काशी भाई मिलेंगे आपको ठीक है। हाँ एंड यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मेरे को बोला गया मेरी टांगे बहुत फंसी हैं इसलिए मैं पहन नहीं सकता, जो कि गलत है, पर कोई नहीं, वही सुंदर है बहुत ज़्यादा। सॉरी सैंडोज है, ये बहुत अच्छी हैं, जिनकी बॉडी अच्छी है वो पहन लेना ठीक है, बाकी रहने देना।